सर का कि जब तक चेयरमैन थे वो कितनी भी दफ़ा में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो एक सवाल उठता था कि आपके चेयरमैन क्या करते हैं, आपके चेयरमैनों ने ये कर दिया, आपके चेयरमैनों ने ये कर दिया। आज कम से कम 10 महीने हो गए, सेक्रेटरियों को 50 लाख रुपये मिल चुके हैं, अभी तक उसका किसी ने सवाल किया। और जब तक चेयरमैन थे तो थोड़ा बहुत काम तो हो रहा था, लेकिन सेक्रेटरियों ने अपनी मनमानी से दूसरी सेक्रेटरी ने अपनी मनमानी लगाई है, अभी उनसे कोई हिसाब देने वाला नहीं है कि 50 लाख एक फ्री सेक्रेटरी को मिल चुके हैं, उसका उन लोगों ने क्या किया हैदराबाद की किस यूनिवर्सिटी में 5 लाख का या 10 लाख का या 1 लाख का काम करवाया या उसको कोई निशानदेही की। आज कचरों के ढेर हर ढंगा लगे हुए हैं और यहाँ से जो एडमिनिस्ट्रेटर है जो थोड़ा बहुत समझने में आता है उसको चेंज कर दिया जाता है। इसी तरीके से यहाँ का हैदराबाद का सर्वे सिस्टम तबाह हाल कर दिया, ना यहाँ पर मीठा पानी है, सर्विस की वजह से बुरी हालत है। अभी जहाँ चले वहाँ पर आपको सर्विस की यही हाल मिलेगा। और इसी तरीके से गैर मकामी पुलिस के SHO DSP यहाँ पर हैदराबाद पर तैनात कर दिए, लेकिन जो हैदराबाद के हैं उनको कहाँ तैनात किया गया है उसकी कुछ खबर है। आज भी यहाँ पर तासुब की नज़र रखा जा रही है, सिंध हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद, कराची, सक्का, मेरपुर खास, टंगलायार, टंडोजाम और इन इलाकों के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्हों की बदमाशी है और किसी इलाके के अंदर बदमाशी नहीं है। अभी एक बात क्या हुआ, यही पुलिस वाले उन्हीं इलाकों को अवार्ड दे रहे हैं और फिर उन्हीं पुलिस वालों के लिए बातें करते हैं और यहाँ पर हैदराबाद पर इलाके SHO मुसलत करते हैं और उनकी जो बदमाशी और दादागिरी है मैं उन लोगों के लिए भी वो तमाम यहाँ पर जो हैदराबाद को और कराची को देख कर हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझे। ये खामोशी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द टूटने वाली है और आवाम और हम लोग रोड पर होंगे और इंशाल्लाह ताला उसी तरीके से इनसे निपटेंगे जिस तरीके से ये निपटना चाहते हैं। हमारी फिर एक बार